बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम निकिता सयाम है और मैं पैडी ग्रोइंग रीजन बालाघाट से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरा 12th बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है और BSc एग्रीकल्चर मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से किया है। सर इस दौरान मैं एक NSS कैंडिडेट भी थी और साथ ही साथ मैंने टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन सिट्रस पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है। सर इसके बाद मैंने MSc किया एक्सटेंशन एजुकेशन से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से। अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। सर ट्रेनिंग प्रोग्राम सर हमारा छिंदवाड़ा में हुआ था। छिंदवाड़ा सिट्रस ग्रोइंग एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सिट्रस ग्रो किया जाता है। तो हमें बताया गया था कि सिट्रस कैसे ग्रो करना है, उसके लिए क्लाइमेट कौन सा अच्छा है, सॉइल कौन सी अच्छी है और उसका प्रोपोगेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं। क्या क्या सीखा आपने वहाँ से? फिर सर मैंने वहाँ से सीखा के बारे में बताइए। सर सिट्रस जो है एरिया और प्रोडक्शन में इंडिया में 3rd लार्जेस्ट ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप है और साथ ही साथ सर एमपी में और इंडिया में सिट्रस का मैंड्रेन टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और सर सिट्रस के लिए टी बडिंग का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वो उसकी मेन प्रोपोगेशन मेथड है। वैसे वो सीड के थ्रू भी ग्रो हो जाता है लेकिन टी बडिंग में टाइम कम लगता है तो उससे जल्दी हमें प्रोडक्शन मिल जाता है। आपकी लाइफ का मोटो क्या है? सर मेरी लाइफ का मोटो ये है कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूं। और सर सक्सेसफुल पर्सन मतलब मैं ऐसा पर्सन बनूं जो कि अपने फैमिली में जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्हें मैं इंस्पायर कर सकूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। आपकी क्या क्या वीकनेस है सर? सर मेरी वीकनेस ये है कि मेरा रूटीन कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सर जैसे कि एग्ज़ाम टाइम था सर तो मैं रात में लेट तक जागती थी और फिर सुबह लेट उठना। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई मूवी अच्छी देगी फिर आप रात में लेट तक जागे या फिर ऑफिस आना ही भूल गए? नो सर ऐसा नहीं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ में तो सर मैं एक लिमिट तक ही करती हूँ सर लेकिन वो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? ऐसा क्या है आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है? सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत अडेप्टिव नेचर की हूँ और मैं बहुत अलग अलग जगहों पे रही हूँ तो मुझ में अडेप्टेबिलिटी बहुत है। और सर मैं काम कंपोज और पेशेंस मुझे बहुत है जो कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो सर फील्ड जॉब कर लेंगे आप? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नो सर। कैंपेनिंग वगैरह? यस सर सारी चीज़ें। निकिता मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? सर मार्जिनल फार्मर ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं और कुछ 5 प्रकार बताइए। सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है और ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे फैक्टर्स होते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखते हैं और एक्सप्लॉइट नहीं करते नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे कि सर हम फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, केक्स यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, नाइट सॉइल एट्सेट्रा। एग्रोनॉमी के बारे में बताएं। सर एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन से डील करती है फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिससे अर्निंग की जाती है, जिन्हें हम मार्केट में जिन्हें हम ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे मार्केट में सेल करते हैं ताकि हमें अर्निंग हो सके। क्रॉप डिजीज के बारे में बताएं। सर क्रॉप डिजीज में सर हम बहुत सारे टाइप की क्रॉप उगाते हैं तो सर हर क्रॉप के लिए कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ होती है जो इंसेक्ट पेस्ट के कारण हो जाती है या फिर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हो जाती है जो कि उसका प्रोडक्शन अफेक्ट करती है जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता है। मत्स्य संपदा योजना क्या है? सर मत्स्य संपदा योजना किसान फिशरीज फार्मर की अपग्रेडेशन के लिए लाई गई थी। इसमें सर फिशरीज फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाती है और इसमें उनके लाइफस्टाइल अपग्रेड हो और फिश कल्चर प्रमोट हो इसका ध्यान रखा जाता है। फसल बीमा योजना क्या है? सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तरह की सर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें सर फसलों के बर्बाद होने के कारण चाहे वो किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण हो उसके कारण किसानों को ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े तो उसके लिए उन्हें इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। रबी के लिए इसमें 1.5, खरीफ के लिए 2 एंड हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए 5%। किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? सर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें डिफरेंट स्कीम्स होती है उनके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसे सर जनधन स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन स्कीम, तो इसके थ्रू उनका हर बैंक उनका खाता बनाया जा सकता है जिसके कारण उन्हें सब्सिडी का
तुरंत लाभ मिल सकता है, जिससे कोई मिडिलमैन नहीं आएगा तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं होगा फार्मर। और सर साथ ही साथ KCC स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसमें सर उन्हें सर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में उन्हें सर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें मतलब उनकी फसल में होने वाले जितने खर्चे होते हैं उनके लिए पहले से उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो। निकिता जी ये बताइए, एक टर्म होती है वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, इसके बारे में कुछ आपकी क्या राय है, बताइए, समझाइए। सर वुमेन हमारी कंट्री में या फिर लाइफस्टाइल या फिर लाइफ में सर वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सर पहले से हमने देखा है कि वुमेन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जबकि उनमें कैपेसिटी बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, वो काफ़ी कुछ कर सकती है। इसलिए सर वुमेन एम्पावरमेंट हमारी कंट्री में लाना बहुत ज़रूरी है। और सर अभी बहुत अवेयरनेस भी फैली है इस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। कुछ 5 स्कीम्स बताइए आप ऐसी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चलाई जा रही है सर, इसके अंतर्गत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का को प्रमोट किया जा रहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो। और गर्ल चाइल्ड का जो फीमेल फिटिसाइड होता है उन्हें मार दिया जाता है जन्म से पहले सर, उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ये तो एक ही होता है सर। सर फीमेल विमेन ई हार्ट, सर विमेन ई हार्ट एक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है सर। इस स्कीम के अंतर्गत विमेन अपना अपनी खूबियों को प्रदर्शित कर सकती हैं, अगर उनमें कुछ खूबी है जैसे कि कुछ प्रोडक्ट बनाना, उसे वो बना के सेल कर सकती है। और सर सुकन्या समृद्धि योजना सुनी आपने? यस सर। बताइए उसके बारे में। सर सुकन्या समृद्धि योजना भी सर इसमें अकाउंट बनाया जाता है जिसमें 250 से लेके 1.5 लाख तक का अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया। अच्छा, अभी ये 250 रुपये मिनिमम है, इसके पहले कुछ और मिनिमम अमाउंट हुआ करता था शायद 1000, नहीं पता? सर नो सॉरी सर। अच्छा, अभी बजट में एक स्कीम आई है इसी को लेकर के कुछ, सॉरी सर। ठीक है, 5 फेमस फीमेल पर्सनैलिटी के नाम बताइए। फीमेल पर्सनैलिटी सर निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सर, वो हमारी सर वो उन्हें अभी बजट भी दिया है और ये उनका लास्ट बजट था। ठीक है, बजट बजट के बारे में क्या जानती हैं? बजट डेफिसिट क्या कहलाता है? सर बजट डेफिसिट मतलब सर पहले वो बजट निकालते हैं और सर उनके पास जितना अमाउंट होता है उस बजट के लिए, वो अगर कम होता है तो जितने एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, उसे बजट डेफिसिट। और बजट सरप्लस क्या कहलाता है? बजट सरप्लस मतलब सर उनके पास पहले से जो अमाउंट है वो बजट एक्सपेंडिचर से अगर ज़्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम बजट सरप्लस कहेंगे। या आपने पढ़ा है ऐसा कि अभी मन से बना रही हैं? नो सर, ये मैंने पढ़ा है सर, फिस्कल सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल स्टिमुलस क्या कहलाता है ये बताइए। नो सर, ये नहीं पता। नहीं जानकारी। बैंक के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या होता है बैंक? सर बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी डिपॉजिट करता है और कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी स्कीम्स की भी जानकारी लोगों को समय समय पर देता रहता है। ठीक है, ठीक है निकिता, थैंक यू। Thank you, sir.